आवास की कच कलोनी में रहने वाले एक वकील की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक को परिजनों ने जब इलाज के लिए अस्पताल ले गए तो वहां डॉक्टरों ने मृतक को घोषित करते हुए मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। अस्पताल में पहुंचे वकीलों ने इस मौत को लेकर बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए हंगामा किया। वहीं डॉक्टरों पर भी इलाज को लेकर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले वकील विपिन कुमार की करंट लगने से उस वक्त मौत हो गई। मृतक अपने घर पर ट्रांसफार्मर से आए बिजली के केबल को ठीक कर रहा था। इसी दौरान हाई वोल्टेज करंट आने से मृतक की करंट से मौत हो गई। मृतक के परिजन मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे। तब तक मृतक ने दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टरों पर परिजन और वकीलों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में हंगामा करने लगे। अस्पताल पहुंची पुलिस ने लोगों समझा बुझाकर शांत कराया। इस हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। आज एक अधिवक्ता जो की मौत हुई है करंट के कारण, क्या है? देखिए, हमारी जिला बार एसोसिएशन के सदस्य थे और जैसा भी ज्ञात हुआ है कि आवास विकास में अपने घर के बाथरूम का कूलर रखा हुआ था, उसमें हाई वोल्टेज करंट आ गया, जिसकी शिकायत बिजली विभाग से भी कई बार पहले कर चुके हैं। तो उसमें एकदम हाई वोल्टेज करंट आया और पहले भी पुनः कई बार करंट आ चुका है, जिस कारण ही मृत्यु हुई है।